स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नसरुलगंज सीहो नाके से बनने वाले रोड नाली में खटिया निर्माण किया जा रहा है, वहीं नाली को साफ करे बगैर उसके ऊपर फर्शी ढाकी जा रही है, जिस वार्ड वासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। वार्ड वासियों का कहना है कि अगर तेज बारिश हो गई तो हमारे मकान दुकान में रखा हुआ सामान डूब जाएगा। वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि अगर 6 महीने से नाली का काम चल रहा है, जिससे हमें घर में दुकान में आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पीने के पानी का पाइप नाली में पड़ा हुआ है, जिससे पाइप में गंदा पानी भी चला जाता है। वहीं वार्ड वासियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा रोड नाली में खटिया निर्माण किया जा रहा है। वहीं मीडिया के द्वारा ठेकेदार सोनू से बात करने पर ठेकेदार सोनू ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। इससे साफ पता चलता है कि ठेकेदार कर रहा है अपनी मनमानी। सुनिए वार्डवासी की जुबानी। नसरुलगंज से न्यूज 69 के लिए अनीस खान की रिपोर्ट। कहाँ के निवासी? मैं सुभाष कॉलोनी वार्ड नंबर 1। नाली बनाई नहीं इधर और उसमें पुरानी नाली में मिला दिया और पानी निकल ही नहीं रहा है। तार सरिये उसमें भरे पड़े और नाली ढाकना शुरू कर दिया। ये देखो आप कचरा फोर भरा, नाली साफ करी नहीं, पर्ची डाल दी, देख लो आप उसका वीडियो। समस्या डूब जाएगी पूरी नाली, जिससे जब पानी नहीं निकलेगा। राठौर, क्या परेशानी है? परेशानी है, 6-7 महीने हो गए रोड वाले ठेकेदार के, ये नाली भरी हुई है पानी, जनता परेशान है। रोड नाली घटिया बना रहा है बिल्कुल। इस समय इतनी परेशानी चल रही है कि बारिश हो जाएगी तो पूरे उसमें पानी भरा जाएगा। रोड का काम कौन कर रहा है और कहां से कहां तक हो रहा है? ये रोड का काम यहां से हो रहा है अपने ये जेठा जी स्कूल से लगा के और नाके तक हो रहा है। तो रोड भी बैठ गया है, जगह जगह पानी भरा रहा है। जैसा पहले पानी भरा रहा था वैसे ही आज पानी भरा रहा है। आपके घर के सामने नाली कब की खुदी है? आज 6 महीने होगा नाली खुदे हुए। 6 महीने से? 6 महीने से नाली ऐसी पड़ी है, लोग परेशान है, नाली का पानी पी रहा है, पाइप में नाली का पानी जा रहा है, परेशान है पब्लिक। अच्छा, आपने इसकी शिकायत करी? मैंने एडीएम साहब से बोला है तो एडीएम साहब के हम देखेंगे। एडीएम साहब से ही मैंने चर्चा करी इस बात की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी जैसा का तैसा भरा है, बारिश हो जाएगी तो शिकायत करी आप? मैंने 181 में शिकायत करी है, एडीएम साहब से भी बात करी। एडीएम साहब कह रहे मैं दिखवाता हूँ, लेकिन आज तक कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। पानी जहाँ का तहाँ भरा हुआ है, लोग परेशान है, मच्छर काट रहे हैं, बहुत बीमारी से जूझ रहे लोगों। आज 6-6 महीने हो गए, मकान टूटे पड़े हैं, लोग धंधे से बेकार हो गए, खाने से मोहताज हो गए गरीब आदमी, बहुत स्थिति खराब है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो ये नाली का और लोग धंधे से लगे। नाली का पूरा पानी भरा है और नाली का पूरा पानी का निकास नहीं हो रहा है, भरा हुआ। आज बारिश हो जाए तो पूरी कॉलोनी डूब जाएगी पीछे। जांच की मांग पूरा, घटिया रोड ही बैठ गया अभी हाल। रोड बैठ गया जहाँ बना था वहीं बैठ गया रोड। ठेकेदार का नाम मालूम है क्या? सोनू सिन्हा करके बोलते हैं, मेरे को ये तो नहीं है, लेकिन सोनू सिन्हा करके कहते हैं कि सोनू सिन्हा बना रहा है उसका, और कौन ठेकेदार है क्या है ये नहीं मालूम। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।